Hello everyone. In this class, we'll continue our exercise 12.9, in which three questions we have solved. And this exercise is based on the differential equation, in which we are studying about the Bernoulli equation, how to solve a Bernoulli equation to reduce it into the linear differential equation. तो अपन ने इसके थ्री क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लिए थे और देर आर टोटल फोर क्वेश्चन आर रिमेनिंग. सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच इज टेन एक्स कोस वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस साइन ऑफ वाई माइनस ई टू द पावर साइन x is equals to 0. This is the given question. अब हमें पहले तो ये जजमेंट करना है कि हम ये सॉरी टेन एक्स होना चाहिए टेन एक्स क्लियर. हमें पहले तो ये जज करना है कि इधर से cos y tan x को लाएं या फिर वहीं रखें या फिर किसी को सब्सिट्यूट करें. देखो यदि अपन साइन वाई को वी बोल देना तो जिसका डिफरेंशिएशन कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है और ये क्या बन जाएगा अपना डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा. इसका मतलब इसको तो डिस्टर्ब मत करो, टेन एक्स को ले आओ इधर. टेन एक्स को लाएंगे इसको भी इधर ले आओ तो टेन एक्स ही आया. तो कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई अपॉन टेन ऑफ एक्स माइन इक्वल्स टू ए टू द पावर साइन एक्स अपॉन टेन एक्स. क्लियर है यहां तक बात. और थोड़ा सा इसको और चेंज करें तो अपन इसको लिख सकते हैं कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू कोट वाई कोट एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स इंटू कोट एक्स. इज दिस क्लियर. अब यहां से अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेबल करते हैं. And now let's suppose sine y is equals to v. तो ये क्या बनेगा cos y dy by dx is equals to dv upon dx. ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड cos y dy by dx is equals to dv by dx plus cot x remain constant or as it is into v is equals to ये आपका as it is हो गया e to the power sin x then cot x. क्लियर है बात यहां तक. अब देखो ये अपना एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया dv by dx plus pv is equals to q और इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड. ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन थर्ड विथ जो भी अपना dv by dx लिया मेंशन कर देता हूं यहां पे किसके साथ कंपेयर करना है dv by dx plus pv is equals to q. तो p तो हमें कितना मिलेगा p is equals to cot x कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू देखो हमें मिलेगा e टू द पावर साइन एक्स देन कोट एक्स. क्लियर है बात यहां तक. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इंटीग्रल फैक्टर आई एफ. आई एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स और वी कैन से दैट ई टू द पावर पी कितना आपके पास कोट एक्स डी एक्स. हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log साइन ऑफ x. और फाइनली आई एफ देखो अपने पास कितना आएगा आई एफ इज इक्वल्स टू साइन x. उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी. चलिए अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको. आई एफ हमें मिल गया. अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है वी आई एफ is equals to q i f and integration of this one with respect to x and then plus c. v क्या रहेगा आपके पास v की तो v वैल्यू रही i f sin x हुआ is equals to q यहां से
ए टू द पावर साइन एक्स इंटू कोट एक्स। आई एफ अपना है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। बाय आई बात समझ में यहां तक। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वी साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स, कोट एक्स का मतलब हो गया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। ठीक है, तो यहां पर बना आपके पास कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं अपन। साइन एक्स को टी बोल दो। वी साइन एक्स इज इक्वल्स टू आई वन प्लस सी, कंसिडर कर रहा हूं मैं इसको, और इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, तो लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। अज्यूम सॉरी आई वन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अगेन लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, देन कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहां से देखो क्या क्या मिलेगा। आई वन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टी एंड डी टी, e टू द पावर टी आया ना, e टू द पावर टी एंड डी टी। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा e टू द पावर टी, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर साइन एक्स। आई बात समझ में यहां तक। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखो ये वैल्यू हमें यहां अप्लाई कर देनी है, कहां पे, इक्वेशन नंबर फोर्थ में, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। फोर्थ में साथ में v की वैल्यू और अप्लाई कर देता हूं, तो v अपने पास देखो यहां से साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू आई वन जो कि है e टू द पावर साइन एक्स एंड प्लस सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ दिस वन, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Let's proceed on the next question, fifth, which is dy by dx plus x sine 2x is equals to x cube cos square sine 2y, sorry, cos square y। चलो देखो अपना फर्स्ट टारगेट तो ये होता है कि यहाँ से y हटाना। ठीक है, तो ये y से डिवाइड कर दो। y से डिवाइड करेंगे तो ये बना sec स्क्वायर y बोल दूँ इसको, या फिर चलो एक बार यूँ ही लिख देता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर y प्लस x इंटू टू साइन x साइन y cos y अपॉन cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, यहाँ तक cos y से cos y कैंसिल, और यहां पे dy by dx भी dy by dx sec स्क्वायर y dy by dx प्लस ये कितना बनेगा 2x sin y, sin y को मैं बोल दू sin y अपॉन cos y tan y इज इक्वल्स टू x क्यूब। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो y का फॉर्मेट ये है, तो tan y को क्या बोल दो, v, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट tan y इज इक्वल्स टू v, देन sec स्क्वायर y dy by dx इज इक्वल्स टू dv by dx। ऐसे केस में डेफिनेटली इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा। ठीक है यहां तक। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बोले, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये बना dv by dx प्लस टू एक्स वी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्लियर है यहां तक। एंड लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को कंपेयर करना है किसके साथ में, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल्स टू क्यू। तो पी अपने पास क्या रहेगा, पी इज इक्वल्स टू टू एक्स एंड क्यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है हमें। आई एफ आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू डी। तो ई टू द पावर पी आपके पास है टू एक्स, तो टू बाहर लिया, एक्स ही रहा डी एक्स,
और रिजल्ट आएगा ए टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे कैंसिल, देन आई एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। नाउ फॉर्मूला इज ये वाई के फॉर्मेट में अपनी इक्वेशन, सॉरी वी के फॉर्मेट में, देन वी इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे V और IF की वैल्यू, IF की वैल्यू अप्लाई कर दो, Q की वैल्यू अप्लाई कर दो। IF है e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर, IF तो ये बना, Q है अपने पास x क्यूब dx प्लस c। क्लियर है बात यहां तक? x क्यूब को स्प्लिट कर लेते हैं, V e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक्चुअली क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपॉन टी बोलेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा जो कि एक्स डी एक्स के फॉर्मेट में अपने पास अवेलेबल है। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, देन 2x dx इज इक्वल्स टू डी टी, और वी कैन से दैट x dx is equals to dt by 2, ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो। v e to the power x square is equals to e to the power t, बात समझ में आई यहां तक, e to the power t ये बना, x dx हो गया dt, x square हो गया अपना t dt plus c, और इसको बोल देता हूं i1, v into e to the power x square is equals to i1 plus c, and let's suppose it is the equation number 4th। अब हमें सिंप्लीफाई करना है I1 को। I1 को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि अपन इसको फर्स्ट और सेकंड टर्म इलेट वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ये हुआ और सेकंड ये हुआ, देन I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन जो कि टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में वन होगा, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन जो कि ई टू द पावर टी होगा, अगेन इंटीग्रेशन वो भी क्या होगा ई टू द पावर टी, और यहां से e टू दी पावर t यदि कॉमन ले तो t माइनस वन। ठीक है यहां तक, अब t की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, ये i1 था, i1 इज इक्वल्स टू t वॉज x स्क्वायर, देन e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू कहां अप्लाई कर देनी, यहां पे, तो ये यहां पे हो जाएगा, देन v, और साथ में फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ v की वैल्यू भी अप्लाई कर दो, v की वैल्यू अपने पास tan y, tan of y into e to the power x square is equals to i1, i1 की वैल्यू यहां से e to the power x square minus 1 and plus c, इसको थोड़ा पीछे लिख दो जिससे कि ये इजी रहे पढ़ने में, वरना tan के थीटा में ही कंसिडर कर लिया जाता है, e to the power x square tan of y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5th। क्लियर स्टूडेंट? सो प्लीज पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन विच इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लोग ऑफ एक्स, सॉरी log of y इज इक्वल्स टू y अपॉन x स्क्वायर log of y होल स्क्वायर, ये अपने पास क्वेश्चन हुआ। तो पहला टारगेट तो देखो, ये y q के पास y नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा लो, इससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या क्या मिलेगा देखो, यहां पे मिलेगा ऑन डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाई वाई इंटू लॉग वाई होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये मिलेगा वन अपॉन वाई लॉग वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको डिवाइड करें तो ये एक बार तो लिख देता हूं, वाई लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू वाई लॉग वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये स्टेटमेंट मिलेगा हमें। सम वैल्यूज विल बी कैंसिल बाय ईच अदर, ये कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला देखो हमें वन अपॉन वाई लॉग वाई होल स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस
यहां पे मिला वन अपॉन एक्स इन टू लोग वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये y वाला जो टर्म है इसको अपन को क्या बोलना है, v के इक्वल, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट वन अपॉन लोग y इज इक्वल्स टू v। इसको अपन एक बार x मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वन अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन, इसको x टू द पावर माइनस वन कर दो, और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस वन अपॉन x स्क्वायर होता है। इसका मतलब log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसी के कंपेरिजन में माइनस वन अपॉन log y होल स्क्वायर। ठीक है, अब y का भी करना है तो जो हो जाएगा dy by, सॉरी एक्सप्लेन करता हूं, देखो वन अपॉन log y का हुआ माइनस वन अपॉन log y होल स्क्वायर। अपन ने x किसको बोला है, log y को, तो log y का सेपरेटली करें तो हो गया वन अपॉन y, y का क्या होगा dy by dx is equals to dv by dx, ये स्टेटमेंट हमें मिलेगा। तो यहां से माइनस रिमूव करें तो ये मिला हमें वन अपॉन वाई लोग वाई होल स्क्वायर एंड डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। क्लियर है बात यहां तक? अब ये सभी वैल्यूज यहां पे अप्लाई कर दो, लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये बना माइनस डी वी बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू और विथ डी वी बाई डी एक्स, या फिर एक काम करो माइनस भी तो रिमूव करना है ना, यहां से माइनस रिमूव करेंगे तो ये मिला डी वी बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करना, ऑन कंपेयरिंग द थर्ड इक्वेशन विथ डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल्स टू क्यू, तो पी हमें कितना मिलेगा, पी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स एंड क्यू, क्यू देखो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमें इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है, आई एफ e टू द पावर पी डी एक्स, और e टू द पावर पी आपके पास है माइनस वन अपॉन एक्स। क्लियर है बात यहां तक? अब ये हो गया लोग एक्स, तो ये बना माइनस e टू द पावर माइनस लोग एक्स, और इसको बोल सकते हैं e टू द पावर लोग एक्स इनवर्स, ये से कैंसिल हुआ और अपन बोल सकते हैं आई एफ इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स या फिर वन अपॉन एक्स, ये हमें मिल गया रिजल्ट। क्लियर है? अब देखो यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या रहेगा, नाउ वी आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, वी आपके पास वी रहा, आई एफ की वैल्यू हो गई वन अपॉन एक्स, यहाँ ना माइनस भी तो था यहाँ पे, सॉरी माइनस ही अप्लाई हो गया, वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू की वैल्यू है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आई एफ इज वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, ये बना वी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस थ्री डी एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि एक्स टू द पावर माइनस थ्री का रिजल्ट माइनस में ही आएगा, तो ये बनेगा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें एलसीएम ले लो, तो वी इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस टू सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, टू वी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस टू सी एक्स स्क्वायर। अब वी की वैल्यू अप्लाई कर दो, और वी की वैल्यू क्या अपने पास, वी आपके पास क्या था लोग वाई, तो यह आया टू एक्स अपॉन लोग वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस टू सी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्लियर है? तो स्टेप समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल से स्टेप है, अपन वो ही फॉर्मेट कर रहे हैं, रिपीट ही कर रहे हैं यू मान लो, तो थोड़ी बहुत बस इंटीग्रेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मेथड सभी का सेम रहेगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.9, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy/dx +2xy is equals to 1 + 1/x² 1/1 + x². ये सिस्टम हमें दे रखा है, तो यहां पर पहला काम तो यही हटाना। देखो यहां पे तो y नहीं है, यहां पे y है, मतलब ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, dy/dx इज इक्वल्स टू 2x/1 + x² y इज इक्वल्स टू, और ये इसके डिनोमिनेटर में आके क्या बना लेगा, 1 + x² 2। यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, ये dy, सॉरी यहां पे प्लस है, dy/dx + py इज इक्वल्स टू, क्योंकि फॉर्मेट में हो गया, लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? अब ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू और विथ dy/dx + py इज इक्वल्स टू क्यू, तो p क्या मिलेगा, 2x/1 + x². क्लियर? एंड q 1/1 + x² होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल गई q की। अब इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है, if is equals to e^p dx, वैल्यू अप्लाई करें 2x/1 + x² dx, देन if is equals to e^p, देखो ये जो फंक्शन है वो f x का फॉर्मेशन है, और जिसका हो जाएगा log f x। क्लियर है बात यहां तक? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, जो कि अवेलेबल है न्यूमरेटर में, तो ये बन गया e^log 1 + x² और फाइनली अपन बोल सकते हैं if = 1 + x². ठीक है यहां तक बात? अब फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, नाउ yif, क्योंकि यहां पे v तो है नहीं, qif dx + c। क्लियर? y as it is, if is 1 + x² y into 1 + x² is equals to q अपने पास है यहां से 1 + x² 2। ठीक है यहां तक? इंटू ये v की वैल्यू हो, q की वैल्यू हो गई, if की वैल्यू यहां से 1 + x² dx + c। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, जो लेफ्ट साइड में बचा हुआ है वो है y 1 + x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx + c, और ये फॉर्मूला बन गया अपने पास tan इनवर्स ऑफ x का, तो रिजल्ट आएगा y 1 + x² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x + c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ x = क्या था, 1 एंड y = 0। x की वैल्यू थी अपने पास 1 और y की वैल्यू थी 0। इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर कौन से बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, इफ x = 1 and y = 0 देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वैल्यू रख दो ये यहां पे, तो ये बना 0, 0 से इंटू हो गया तो 0 बना, 0 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इज 1 प्लस c, ये हो गया tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू, π/4, तो 0 इज इक्वल्स टू π/4 प्लस c, और यहां से c कितना मिलेगा, c इज इक्वल्स टू -π/4, c की वैल्यू ये आ गई, और ये वैल्यू यहां वापस अप्लाई कर दो अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या मिलेगा, देखो y 1 + x² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x -π/4, एंड इट इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 7th।
So finally, we have solved the exercise 12.9, all questions one by one. I hope you understood the process of each and every question, and you understood the method also to how to solve a Bernoulli equation, to convert into a linear differential equation, then how to solve a linear differential equation using the method of integral factor method. And it was the last exercise of our chapter also. From tomorrow, we'll start a new chapter, vector. Clear? So please, friend, pause this and note it down.